तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। बट आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर करने वाला हूँ घोर तपस्या। आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर करने वाला हूँ हार्ड वर्क इन अ मल्टी मिलियन डॉलर्स। वही आज मेरे को एक माइनक्राफ्ट में एक हाउस खरीदना था जिसकी कीमत है $1 million। सीरियस गाइस, और वो भी तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं भाई, मैं गरीब हूँ भाई। मेरे पास इतना देखो भाई, $1 million मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं अभी भाई एक गरीब हूँ, क्योंकि अभी मैं इस फटे फूटे विलेज के अंदर रह रहा हूँ भाई। आज जो है ना, मेरे को भाई इतना हार्ड वर्क करना है, इतने डायमंड्स कमाने हैं, और उसके लिए भाई मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, माइनिंग करने। और माइनिंग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आयरन का आर्मर। और आज भाई वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, आप चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सो अभी मेरे को बहुत सारे डायमंड्स को माइन करने के लिए ना, मेरे को एक चीज़ तो जरूर से जरूर चाहिए होगी माइनिंग के लिए, वो होने वाले अपने आयरन के टूल्स, क्योंकि उनके बिना मैं एक भी यहाँ पे डायमंड नहीं तोड़ सकता। तो उससे पहले मैं इस विलेज को लूट लेता हूँ भाई। यहाँ पे एकदम येलो बेड मिल चुका है, तो इसको मैंने यहाँ पे चुरा लिया है, पर चुराया नहीं है, मैं इसको वापस दे दूंगा गेम मतलब एंड होने के बाद। मैं भाई दो बेड का क्या करूँगा, लेट्स भाई पीला बेड मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पीला बेड जो एकदम टॉयलेट जैसा लगता है। तो लेट्स भाई इस विलेज को थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ मिल जाता है, जिसके भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन भी कर रहा था, बट भाई मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? ओह भाई वेट, भाई जो टूल्स मेरे को चाहिए ना यहाँ पे, वो मेरे को मिल चुके हैं। लेट्स गो भाई साहब, भाई मजा आ गया यार। मेरे को आते ही एक आयरन लैगिंग से बूट्स और थोड़े पांच आयरन मिल चुके हैं, और पिकैक्स का तो भाई इंतजाम हो गया ब्रो, इंतजाम हो चुका है। और एक और भाई यहाँ पे आयरन गोलम था ना, नहीं आयरन गोलम नहीं था, तो अभी मैं इनको मार के ऐसे थोड़ा खाना ले लेता हूँ, क्योंकि भाई खाने की बहुत कमी है। हाँ यार देख सकते हो भाई, मेरी हंगर बार भी बहुत कम है, बट आपको अच्छे से दिख नहीं रही होगी। वेट यहाँ पे एक और ब्लैकस्मिथ है, अभी यहाँ पे ब्लैकस्मिथ है, तो यहाँ से मैं फर्नेस भी चुरा लेता हूँ, क्योंकि भाई बार बार कौन ही फर्नेस बनाए। यहाँ पे मैंने दो दो फर्नेस ले लिए। अभी यहाँ पर देखे तो भाई बहुत सारे आयरन, मैं यहाँ पे गोल्ड ले लेता हूँ, मेरे को ऑब्सीडियन भी चाहिए। काम करते ना, एक और सॉर्ड रख लेता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा में मेरे को बाद में चाहिए होगी, बट टाइम लैगिंग्स तो है मेरे को पास, लैगिंग एंड बूट्स तो है। तो अभी ना यहाँ पे एक आयरन गोलम भी है, तो मैं उसको भी मारूंगा और जरूर मारूंगा। अब टो लेट्स गो भाई, मिल गया यार, बस नाम लेते ही मिल जाते हैं भाई। अब इसको भाई मेरे को हिट करके ना बहुत ही दूर भागना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये मेरे को इस वर्ल्ड से परमानेंटली देगा। तो अब मैं यहाँ पे इस घर के ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो भाई जो कि आयरन गोलम बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकता। क्या बोला, ऊपर नहीं चढ़ सकता, अब मैं देर से ज्यादा फास्ट हूँ। भाई ओ नो, शिट शिट शिट, निंजा हथौड़ी बनना पड़ेगा अब तो मेरे को। लेट्स गो भाई, गोलम अड़ चुका है यहाँ पे, लेट्स गो। अब तो भाई मैं इसको क्रिएट पे क्रिएट मैं नहीं मार पा रहा इसको, थोड़ा और पास में आके लेट्स गो भाई। सिर्फ इसको दो ही क्रिएट लगी है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। लेट्स गो, तीन क्रिएट, चार, ये पांच, भाई पांच में तो एक पूरा खत्म ही हो चुका है। और मैं तो अभी मेरे को यहाँ पे कहीं इतना कहीं से तो एक क्राफ्टिंग टेबल का जुगाड़ करना पड़ेगा, बट मैं विलेजर का घर ही तोड़ लेता हूँ। यस, मैंने इसका घर तोड़ दिया है। ओके, मेरा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है, तो अब मैं इससे बनाऊंगा अपने लिए एक शील्ड। बट शील्ड बनाने के लिए मेरे को कितने चाहिए होते हैं, 8 प्लैंक्स चाहिए होते हैं उसके लिए, तो वो मैं लेता हूँ लगे हाथ। सो गाइस, अब यहाँ पर मैंने अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लिया था, और अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स भी मैंने रेडी थे। और अभी मेरे को एक चीज़ की बहुत ही ज़रूरत हो चुकी थी, वो जो है अपना फूड, जो कि भाई मेरा पूरा हंगर बार यहाँ पर हो चुका है कम। तो अभी मेरे को एक विलेजर का फार्म ढूंढ के वहाँ पर बहुत सारा फूड मिल चुका है। लेट्स गो भाई साहब, कितनी सारी यहाँ पे हे बेल्स रख रखी है इन्होंने, भाई मेरे को बताया तक नहीं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई मैं यहाँ पर आऊँ और कुछ ना लूट के जाऊँ, भाई ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं फटाफट से इसको भी यहाँ से तोड़ लेता हूँ। और मैंने भाई लग गया तो अपने लिए एक आयरन की एक्स भी बना लिए फ्लोथ पेड़ वेड़ काटने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने लिए जितना हो सकता है, कितना मिलेगा उतना खाना यहाँ पे ब्रेड बना लूँगा अपने लिए, लगभग भाई गेम एंड होने तक भाई वो खाना मेरे साथ होगा। भाई मेरे को फिर खाने की कोई टेंशन ही नहीं है, मैं कहीं पर भी जाऊँ भाई, कितना भी भाग लूँ दौड़ लूँ, भाई मेरे को खाने की कभी कमी नहीं होगी। तो अभी मेरे को कितने हे बिल मिले वो भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, लगभग 15 हे बिल्स।
15 भी नहीं, कितने हो चुके 17 हेविल्स, तो इसकी पता नहीं कितनी वीट्स बनेगी। दो स्टैक तो हो ही जानी चाहिए। ले भाई यहाँ पे एक स्टैक तो हो भी गया, लेट्स गो। यहाँ पे दो स्टैक हो चुके हैं और दो स्टैक और कुछ ज़्यादा हो चुका है अपने पास, तो लेट्स गो। अब देखते हैं भाई ब्रेड कितनी बनती है। सो बस अब मैं यहाँ पर लगभग पूरा आर्मर टूल्स और फूड का इंतजाम होने के बाद अब मेरे को सिर्फ इतने एक ही मकसद है अपना, जो कि है डायमंड को माइन करना। और डायमंड हमको कहाँ मिलेंगे, केव के अंदर। और केव के अंदर जाने में और ढूंढने में तो भाई मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो सीधे मिलता हूँ मैं आपको केव के अंदर। सो गाइस अब मैं यहाँ पर मतलब मैं माइन के अंदर पहुँच चुका था, और अभी भाई स्ट्रिक्ट माइन करते करते ना तो मैं मतलब डार्क केव के अंदर तो आ चुका हूँ। और अभी ना मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत टॉर्चेस भी लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर आते ही बहुत अंधेरा छा चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ टॉर्चेस लगा दी। फिट भाई जब मैं यहाँ पर आया, ठीक है मैं यहाँ पर एक बार आया हुआ हूँ, जिस टाइम मतलब पहली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिखा, तब तो मैं यहाँ पे वापस चला गया और नीचे माइनिंग करने लगा। बट अब मैं वापस भाई मतलब नीचे मेरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब जैसे ही भाई मैं ऊपर आया, जैसे ही ऊपर आते ही सामने देखो भाई डायमंड्स मिल चुके हैं। वाओ भाई पहला डायमंड, तो आप देखते हैं भाई ये कितने डायमंड मिलते हैं मेरे को। भाई दो डायमंड ऑलरेडी मैंने माइन कर लिए, तीन डायमंड, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे तीन डायमंड मेरे को मिल चुके हैं, तो अब भी मेरे को और भी डायमंड्स चाहिए। वेट अभी मैं गिर जाता, और मेरे पास कुछ थोड़े बहुत ब्लॉक्स भी मैंने यहाँ पे माइन कर लिए थे, तो इन ब्लॉक्स से मैं अपना पूरा लावा को जो है यहाँ पे सुखा देता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई मैं जीरो रिस्क के साथ यहाँ पे। वेट भाई ये हो क्या रहा है, मैंने लावा को सुखाया और यहाँ पे एक डायमंड और मिल गया मेरे को। वेट यहाँ पे आयरन भी है, तो मेरे को भाई आयरन अभी जो है नहीं चाहिए। भाई मेरे को लग रहा है ना कि एक पूरी मेरे को डायमंड की वेव मिल चुकी है, क्या जो भी बोलते ना उसको, वो मेरे को अभी मिल चुकी है। भाई देख रहे हो डायमंड की बारिश। अब तो भाई मैं लगता है कि वो मैं मल्टी मिलियन मेंशन जो है वो मैं ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डायमंड कितने हैं भाई, 8 डायमंड, लगभग 8 डायमंड मेरे पास अभी हो चुके हैं। अभी और डायमंड भी अपन देख लेते हैं कि ओ वेट भाई मैं कह रहा हूँ यार कि ये मेरे को पूरी वेन मिल चुकी है भाई, मेरे को भाई डायमंड की वेन जो कुछ भी बोलते हैं, तो भाई मेरे को पहली बार मिली है भाई। मेरे को कभी आज तक वो ऐसी मतलब डायमंड की वेव नहीं मिली जहाँ पर मेरे को 11 डायमंड मिल जाए। ओए भाई मेरे को मार रहा था यार वो, तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे बच गया, नहीं तो कौन मार रहा है। अरे ओ भाई ओ भाई स्केलेटन मार रहा है भाई, मैं फिर सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को कौन मार रहा है यहाँ पे। ओह नो 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 भाई मेरे दो हार्ट काट चुके हैं, लेट्स गो। भाई ये भी यहाँ पे मर चुका है। अब मेरे को यहाँ पे ना और भी डायमंड्स देखने हैं कि और डायमंड मेरे को यहाँ पे कहाँ मिल सकते हैं। यहाँ वहाँ देखे तो अगर मैं ऊपर भी देखूँ तो यहाँ मेरे को कहीं डायमंड नहीं मिलेगा। सो गाइस मेरे को यहाँ पर अभी एक और डायमंड मिल चुका था, बट भाई इन एक एक डायमंड से ना मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। उस मेंशन को भाई खरीदने के लिए लगभग मेरे को 64 डायमंड्स उसको देने होंगे, तो भाई अभी मैं सारे डायमंड्स को माइन करके ही आपसे मिलता हूँ। अरे भाई अरे स्केलेटन मेरे को नहीं मार, मतलब मार तो मार सकता है ये, बट मेरे जैसे भाई प्रो गेमर को ये नहीं मार पाएगा। ओ नो वे भाई तुम मेरे को मत मार भाई प्लीज़ भाई। ओके भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं भाई, मेरे लिए तो भाई और भी इजी काम हो चुका है, इनको भाई मैं आराम से मार सकता हूँ। लेट्स गो ये भी मर गया, ये भी निपटने वाला है। यस गो गाइस यहाँ पर ये भी निपट चुका था, और अब भी यहाँ पर ये टॉर्च लगा के मैं एकदम इजीली से आगे बढ़ बढ़ के इसको यहाँ पर मैं मार सकता हूँ। वेट लेट्स गो भाई मेरे को इसके आगे लाना है। ये लो भाई ये तो अपने आपस में फाइट होने लगी, ठीक है तो इसको मैं आराम से क्रिएट मार के इसको मार सकता हूँ। अरे भाई ज़ॉम्बी बच्चा, भाई ये बच्चा अभी क्या कर रहा है भाई, तेरी स्कूल जाने की उम्र है तो भाई तू यहाँ क्या कर रहा है भाई। नहीं स्केलेटन ब्रो प्लीज़ देख भाई प्लीज़ मार मत यार, भाई मैं तेरा ब्रो हूँ यार मत मार। लेट्स गो भाई ये खुद ही मर चुका है। तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं सारे डायमंड कलेक्ट करके मिलता हूँ आपसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर।
सो गाइस अभी यहाँ पर मैं मतलब बहुत सारे डायमंड माइन करके आ चुका हूँ और अभी मैं भी बन सकता हूँ रिच विलेजर के जैसे रिच स्टीव, क्योंकि अभी मैंने भाई घोर तपस्या करके इतनी मेहनत करके भाई एक महीना लगा दिया अपने डायमंड माइन करने में, मतलब माइनक्राफ्ट का एक महीना, ठीक है यहाँ रियल लाइफ का एक महीना नहीं, माइनक्राफ्ट का एक महीना लगा के मैंने यहाँ पे इतने सारे मतलब डायमंड इकट्ठे कर लिए ना भाई, क्या बताऊँ तुमको। सो गाइस मैं अब आपको दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने लगभग अपनी मेहनत के साथ ना कितने डायमंड इकट्ठे किए हैं, तो लेट्स गो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सो गाइस यार मेरे को अभी डायमंड दिखाने से पहले ना भाई एक क्रीपर ने मेरे घर के ऊपर भाई अटैक कर दिया था, और भाई तेरे इस ज़ॉम्बी को ना यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, भाई यहाँ पर आके मेरे दरवाजे के ऊपर चिप चुका है। तो लेट्स अभी मैं आपको दिखाना मतलब रह गया था कि भाई मैंने अपने आप कितने डायमंड इकट्ठे किए हैं, ये देखो गाइस ये है एक महीने की मेहनत जो कि भाई मैंने इतने सारे डायमंड्स अभी इकट्ठे कर लिए, और अभी टाइम आता है अपने लिए एक मल्टी मिलियन मैंशन डॉलर मैंशन खरीदने का, जो कि पड़ने वाला है अपन को 3 स्टैक डायमंड का। और हाँ साथ ही साथ मैंने अपने लिए थोड़े बहुत डायमंड के टूल्स भी बना लिए थे, क्योंकि भाई मैं कब तक जो है उसमें रहूँगा ना यार आयरन के अंदर, तो मैंने अपने लिए डायमंड की स्वॉर्ड मतलब आयरन के स्वॉर्ड भी मैंने फेंक दिए, सारा आयरन का आयरन पे मैंने फेंक दिया है। अब देख सकते हो भाई बस इतना डायमंड्स आ चुका है, तो अब कौन ही आयरन का आर्मर पहनेगा, है ना। तो अपने मैंने आयरन का मतलब डायमंड का आर्मर भी बना लिया है, वो भाई ऑलमोस्ट मतलब हाफ एली मेरी सील भी डैमेज हो चुके हैं, तो इसको तो मैं यहाँ पे रिपेयर कर दूंगा। तो अभी चलते हैं सारा डायमंड लेके अपने मैंशन खरीदने के लिए। और भाई मेरे को मैंशन खरीदने के लिए ना एक मैप में देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है, 3264 भाई कितने हो, लगभग 640 डायमंड्स है मेरे पास, अगर मैं माइनक्राफ्ट में भी कन्वर्ट करूँ ना मतलब तो होंगे ये लगभग कितने मिलियंस ऑफ डॉलर में होने चाहिए ना अभी तक। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे उस मेंशन के पास जहाँ पर वो मेरे को मतलब वो जो मेंशन वो मेरे को ख़रीदना है, वहाँ पर मैं चलता हूँ, 2 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर बहुत दूर दूर तक चलने के बाद अब मेरा फाइनली मेरे लगता है कि अब मेरा घर एकदम पास में आने वाला है, जो कि वो घर अब मैं ख़रीदने वाला हूँ। बट अभी मेरे को है ना बहुत दूर चलते चलते ना मेरे को प्यास लग चुकी है, तो मेरे को यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिल चुका है, और मैं इससे पूछता हूँ कि क्या भाई तेरे पास पानी है, तो मैं पूछ लेता हूँ भाई अगर है तो भाई पिला दे यार, क्योंकि मेरे को बहुत ही यहाँ पे प्यास लग चुकी है। लगातार ना मैं 2 घंटे से चलते आ रहा हूँ ना भाई, प्यास किसको नहीं लगेगी भाई, है तो भाई पिला दे, देखते हैं इसके पास, बट है इसके अंदर पानी, मतलब इसके पास पानी तो है बट भाई इसके अंदर एक फिश है, तो ये पानी जरूर से जरूर टेस्टी होगा। बट रुकना भाई कहाँ भाग कहाँ रहा है, डर्टी पानी रखता है भाई तू, डर्टी वाला पानी रखने रखता है। रुको भाई इसको भी मैं मार देता हूँ यहाँ पे, इन लामा को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई अगर ये इसका मालिक ही घोचू है तो ये कैसे घोचूंगे भाई, प्लीज़ यार अब तो मेरे को मिल जा भाई डॉलर मेंशन। भाई चलते चलते ना मेरे पास सारा फूड ख़त्म हो चुका है भाई, कितने देर से भगते, वेट भाई मेरे को अपना मेंशन मिल चुका है। सो गाइस अब जो घर आप मेरे जो घर ये जो मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हो ये है जो, अरे भाई साहब रुको, तो हाँ आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हो ना यही घर आज मैं ख़रीदने वाला हूँ, और घर का जो मालिक है ना वो भाई मेरे जस्ट पीछे खड़ा हुआ है। अब भाई इससे भावताल करना पड़ेगा भाई कितने में देगा ये घर, मेरे को तो नहीं पता कि भाई कहीं मेरे को 10 स्टैक ना मांग ले, क्योंकि तो भाई ओनली भाई मेरे पास अभी 10 ही स्टैक है, लगभग 640 डायमंड है मेरे पास, तो अब देखते हैं कि भाई ये कितने डायमंड में राजी होगा। तो अब देखते हैं कि भाई ये जो घर का ये क्या बोलते हैं इसको ओनर, हाँ भाई ये घर का जो ओनर है, आप तो देखते हैं भाई कितने डायमंड में राजी होता है। ओए नल्ले विलेजर भाई बताइए घर तू कितने में देगा, हैं भाई मैं तेरे को 7 स्टैक डायमंड कहाँ से दूँ भाई, ऑलरेडी मेरे पास है ना 4-10 स्टैक है, अगर मैं इसको 7 स्टैक दे देता हूँ तो भाई मेरे पास ओनली 3 स्टैक बचेगा भाई, 3 स्टैक डायमंड क्या यार भाई, तो मेरे को लूट रहा है यहाँ पे, अरे यार ये तो मेरे को लूट रहा है गाइस, अब मैं क्या करूँ भाई, ये तो मेरे से भाई 7 स्टैक डायमंड मांग रहा है इस सड़ियल से हाउस के लिए, बट ये मेरे को प्यारा लगा, बट जिसको भी प्यारा नहीं लगा
पर है भाई प्यारा तो है, बट इसके साथ स्टैक डायमंड मांग रहा है, तो भाई कुछ भी कर जाए अब तो भाई मेरे को ये घर चाहिए ही चाहिए। ले भाई मैं तेरे को भाई इतने 7 स्टैक डायमंड तेरे चेस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, अब तू भाई यहाँ से निकल ले और मेरे को भाई घर के कागज भी दे देना, क्योंकि भाई कुछ दिनों के बाद ये घर हो जाएगा मेरा। भाई घर के कागज तो देगा ना मेरे को। सो गाइस अभी यहाँ पर इसने मेरे को घर के कागज भी दे दिए हैं और यहाँ पर लिखा है 7 मतलब हाउस प्रॉपर्टी सेल इन 7 स्टेक डायमंड हाउस मतलब न्यू हाउस न्यू ओनर बात जो कि भाई मैं हूँ, ठीक है। और उसने अपने सिग्नेचर भी दे दिए हैं विलेज नाम लिख के, और मैंने भी अपने सिग्नेचर दे दिए हैं माली बॉय नाम से। और पता नहीं इसने दूसरे पेज पे एन पता नहीं क्या है बीच के अंदर सी लिख रखा है, इसका मतलब भाई मेरे को नहीं पता है कि क्या है, बट भाई हो जाए कुछ भी। और अभी मैं इसका भाई यहाँ से हटा देता हूँ, और आप मेरे को भाई कमेंट में बताना कि भाई इसने इस विलेज ने मेरे को अभी लिखा क्या है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया भाई। जिसको भी समझ आ गया मेरे को कमेंट में बताना। अगर ये कुछ उठपटांग सा हुआ ना तो इस विलेजर को भाई मैं उसके विलेज के अंदर जाके बहुत गंदा मारूंगा। अभी अभी के लिए तो मैंने इसको सिर्फ क्रिएट मारी है और वो ऐसे फरार हो चुका है। भाई अपने डायमंड तो लेके जा कम से कम भाई, नहीं तो ये डायमंड भाई मैं ले जाऊँगा यार। भाई कितना घोचू बंदा भाई अपना डायमंड तक नहीं ले जा रहा यहाँ से। भाई लेके चला जा ले, भाई ये नहीं ले रहा था भाई मैं ले लेता हूँ, और भाई मैं चला जाता हूँ अपने प्रॉपर्टी हाउस के अंदर, क्योंकि अब ये कब्जा भी नहीं कर सकता मेरे घर के अंदर, क्योंकि मेरे पास अब आ चुके कागज़। लेट्स गो, अभी मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, तो ये घर मेरे को भूलभुलैया क्यों लग रहा है, और मेरा बेडरूम कहाँ है भाई? मेरे को भी बहुत तेज वाली नींद आ रही है। बेडरूम कहाँ है मेरा बेडरूम नहीं मिल रहा मेरे को, तो फिर मेरे को सोना कहाँ पे है भाई साहब यार? तो हाँ भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आज भाई मैंने अपने फाइनली इतने डायमंड्स मतलब मेरे पास बहुत सारे डायमंड है अभी भी, तो जो मेरे पास ये कागज़ है ना घर के, तो इनको मैं बचा के एकदम सेफली रख देता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि फिर से रिस्क लेके कोई भाई मेरे घर के कागज ही चुरा ले। चोर रहेगा मतलब कोई है नहीं अभी तो मेरे अलावा, भाई मेरे अलावा इस वाले के अंदर भी कोई है ही नहीं ना, भाई कौन ही चोरी करेगा कागज़ को भाई? क्या पता वो विलेजर कर ले जिसने भाई ये मेरे को घर सेल किया है। तो भाई अभी यहाँ पे रात हो चुकी है, तो सोने के लिए मेरे पास बेड है नहीं, तो वो मेरे को ख़रीदना पड़ेगा बेड। तो अब पता नहीं कितने डायमंड लगेंगे भाई, ये वर्ल्ड ही अजीब सा है। सो गाइस अब मेरा टारगेट यहाँ पे हो चुका है पूरा $multi-million मेंशन भी यहाँ पे मैंने ख़रीद लिया है, और अब मैं बन चुका हूँ इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा करोड़पति। यस गाइस अब भाई जिसको भी मेरे से पेमेंट चाहिए मतलब पैसे चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा, बट भाई पैसे थोड़े ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। सो बस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो गेम प्ले के साथ। और हाँ आज की वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और हाँ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।